किसी भी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से यदि किसी व्यक्ति की हुई मौत तो थाना प्रभारी के खिलाफ मामला होगा। 304 में दर्ज आईजी देशमुख मुरैना में हुई जहरीली शराब से मौत के बाद बड़वानी जिले में अपराध समीक्षा बैठक के दौरान इंदौर आईजी योगेश देशमुख सख्त नजर आए। शनिवार को जुलवानिया के स्थानीय रेस्ट हाउस परिसर में जिले के पुलिस थाना प्रभारी सहित एसडीओपी के साथ अपराध की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। लगभग 1.5 घंटे चली इस बैठक के दौरान आईजी श्री देशमुख ने कहा कि किसी भी थाना क्षेत्र में यदि जहरीली शराब पीने से एक भी व्यक्ति की मौत यदि होती है तो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होगा। वहीं इसका जिम्मेदार एसडीओपी भी होगा, इसलिए अवैध शराब माफियाओं पर सख्ती से कार्यवाही करनी होगी। इसी के साथ महिला संबंधित अपराधों में तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश के साथ ही आदतन अपराधी, ड्रग माफिया, गैंगरेप जैसे मामले, भू माफियाओं पर भी कड़ाई कार्यवाही करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान डीआईजी तिलक सिंह, एसपी निमेश अग्रवाल, एडिशनल एसपी डीआर प्रजापति राजपुर, एसडीओपी पदम सिंह बघेल सेंदवा, एसडीओपी मनोहर बारिया बड़वानी, एसडीओपी रूपरेखा यादव, निकिता सिंह सहित जिले भर के थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी बैठक में मौजूद थे। श्रीमान जी, आज क्राइम मीटिंग रही आपने दौरा के राज जिले का, क्या रहा सर, क्या दिशा निर्देश? देखिए, मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय बहुत गंभीरता से अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रयासरत हैं और उन्हीं का मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए मैं आज जिले में आया हूँ और एक जनरल क्राइम रिव्यू लिया है। जहाँ जहाँ कमियाँ पाई हैं वहाँ पे और तंदुरुस्ती और ठीक से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और एसपी साहब के नियंत्रण में मुझे विश्वास है, यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। शराब माफियाओं को लेकर सर क्या दिशा निर्देश हैं? शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अक्टूबर महीने से अभी तक का करीब करीब 1000 लोगों को बंद कर दिया गया है, तो नई कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। ठीक।